हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आज द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, क्योंकि यहाँ पे द हिंदू का आज मिल नहीं पाया। सो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। सो यू कैन सी ओवर हियर, J&K डेली म्यूटेशन रिपोर्ट रेजेस मोर क्वेश्चंस देन इट आंसर, नेक्स्ट स्टेप पोल्स। सो ये यहाँ पे बताया गया है, ये टाइटल है आज का। तो आइए मैं हिंदी में भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर, जम्मू कश्मीर पर शीमन रिपोर्ट जवाब देने से ज़्यादा सवाल उठाती है, अगला कदम चुनाव। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे एक न्यूज़ है और उसके बारे में हमें समझना है। तो चलिए यहाँ पे पहले की तरह पहले हम इंग्लिश पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम हिंदी ट्रांसलेशन को देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बात हो रही है कि J&K हैज़ नॉट हैड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंस 2018, गवर्न बाई अनअकाउंटेबल्स ब्यूरोक्रेट्स पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। द रियल J&K इज़ अ फार क्राई फ्रॉम द पिक्चर्स पोस्ट कार्ड ऑफ टूरिस्ट ऑफ एट डल लेक। सो यहाँ पे ये पार्टिकुलर चीज़ें बताई जा रही हैं। आइए मैं इसका इंग्लिश हिंदी वर्जन दिखा देता हूँ। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर ने 2018 के बाद से प्रतिनिधि नहीं चुने हैं। गैर जिम्मेदार नौकरशाहों, पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा शासित असली जम्मू कश्मीर, जो डल झील पर पर्यटकों के पोस्ट कार्ड की तस्वीर से बहुत दूर है। तो ये ऐसा कुछ करके यहाँ पे एक न्यूज़ है, तो आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, मेन न्यूज़ को हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि द फाइनल अवार्ड ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड द कश्मीर डेलिमिटेशन कमीशन हैज़ नॉट लेट टू रेस्ट द कॉन्सर्न्स दैट डॉग्ड इट्स वर्क। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द फाइनल अवार्ड ऑफ द जम्मू कश्मीर, तो है क्या ये, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि यस हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अंतिम निर्णय ने उन चिंताओं को शांत नहीं किया है जिन्होंने इसके काम को प्रभावित किया है। यानी कि बात ये हो रही कि जो जम्मू कश्मीर की परिसीमन आयोग होती है, उसने अंतिम निर्णय अभी तक नहीं दिया है। उन उसमें अभी कह सकते हैं कि चिंताओं को शांत नहीं किया, मतलब अभी अभी प्रॉब्लम बनी हुई है। जिन्होंने इसके काम को प्रभावित किया, मतलब वो लोग जो इस काम को प्रभावित किए हुए हैं, उन पर अभी कोई अच्छी कार्रवाई या फिर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ करके न्यूज़ है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, विच इज इटसेल्फ सब जुडिश, प्रोवाइड्स न्यू पैरामीटर्स फॉर डेलिमिटेशन दैट डू नॉट अप्लाई एल्सवेयर इन द कंट्री। फिजिकल फीचर एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस टू द पब्लिक। सो यहाँ पे ये क्या चीज़ें इन्होंने कह रखी है, आइए समझते हैं। देखिए बात यहाँ पे हो रही है, देखिए यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा आपको अच्छा ना दिख रहा होगा, बट आप थोड़ा सा कॉपरेट करें, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ट्रांसलेट कर पाता हूँ मैं इसको, और बड़ी मुश्किल से इसको मैं प्रिपेयर कर पाता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे आप लोग भी। सो यहाँ पे बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम 2019, क्योंकि आपको पता है कि जब J&K को इंडिया का पार्ट बना लिया गया, तो उसके लिए पुनर्गठन अधिनियम ही काम करता है। कि मतलब किसी स्टेट को या फिर ऐसा स्थान जो आपके कंट्री में ना हो, उसको इस पुनर्गठन अधिनियम एक्ट के थ्रू उसको अपने अंडर ला लेना। तो ये जो आयोग काम करता है, उसको हम लोग पुनर्गठन अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो ये बना कब था, 2019, जो स्वयं न्यायाधीन है, परिसीमन के लिए नए मानदंड प्रदान करता है जो देश में कहीं और लागू नहीं होते। भौतिक विशेषताएं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाएं, संचार की सुविधाएं और जनता के लिए और सुविधा। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो आइए चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है कि नॉट सरप्राइजिंगली इट हैज़ लेड टू द कंक्लूजन दैट हैड पॉपुलेशन एलोन बीन द क्राइटेरियन एज इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर विथ इट्स हायर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच द कमीशन यूज वुड हैव गॉट मोर देन जस्ट वन एडिशनल सीट एंड जम्मू
जम्मू इज लेस देन इट्स 6 एडिशनल सीट्स। तो क्या बात है यहाँ पे, आइए समझते हैं। कहा जा रहा है, उनके थ्रू बताया जा रहा है कि इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि शेष भारत यानी कि कश्मीर की तहत इसकी उच्च जनसंख्या जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो जिसका आयोग द्वारा अभी प्रयोग किया गया था की तरह अकेले जनसंख्या ही मुख्य आधार होती है तो उसे केवल एक अतिरिक्त सीट मिलती और जम्मू कश्मीर अपनी 6 अतिरिक्त सीटों से भी कम है। लेकिन अद्वितीय मानकों के अनुसार भी यह स्पष्ट नहीं है कि उदाहरण के लिए पूंछ और राजौरी जिले जो पहले जम्मू संसदीय क्षेत्र का हिस्सा थे और कश्मीर में अनंतनाग संसदीय क्षेत्र की सीट के साथ क्यों जुड़ गए। तो ऐसा यहाँ कुछ करके बताया जा रहा है, तो आप इनको देख सकते हैं। अब चलिए थोड़ा आगे देख लेता हूँ, मैंने हिंदी में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बता दी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि बट इवन गोइंग बाय द यूनिक पैरामीटर्स इट इज नॉट क्लियर वाई फॉर इंस्टेंस पुंछ एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट अर्लियर पार्ट ऑफ द जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैव बीन ज्वाइंड विथ अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट इन कश्मीर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, आप इनको देख सकते हैं। अभी लिए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे, आगे कहा जा रहा है कि दे आर सेपरेटेड नॉट जस्ट बाय लैंग्वेज, मतलब वो सेपरेटेड थे ना केवल लैंग्वेज के आधार पे, बट अ माउंटेन रेंज एंड द रोड कनेक्टिंग देम इज इनसेसिबल इन विंटर ड्यू टू स्नोफॉल। तो देखिए क्या रीज़न है, थोड़ा और मैं यहाँ पे देख के आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। कहा जा रहा है देखिए यहाँ पे बात हो रही कि यहाँ से कश्मीर में अनंतनाग संसदीय क्षेत्र की सीट के साथ क्यों जुड़ गए। अब बात यहाँ से हो रही कि वे न केवल भाषा से बल्कि एक पर्वत श्रृंखला से अलग हो जाते हैं और उन्हें जोड़ने वाली सड़क बर्फ गिरने के कारण सर्दियों में दुर्गम है, तो ये कारण है उनके अलग होने का। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके अलावा यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि एक मिनट देख लेता हूँ मैं कहाँ से ख़त्म हुआ। हाँ इंडीड, जस्ट अ मिनट। हाँ यहाँ से कहा जाए कि इंडीड द फाइनल रिपोर्ट एंड्स अप गिविन क्रेडेंस टू फियर्स ऑफ अ गैरी मैंड्रिंग्स अलोंग पॉलिटिकल एंड कम्यूनल लाइन्स पोलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस विच वॉज रिप्रेजेंटेड इन द कमीशन हैड फ्लॉग्ड दीज एंड अदर कंसर्न्स टू द पैनल चेयर्ड बाई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। तो क्या है न्यूज़, आगे देख लेते हैं इसमें। देखिए बताया ये जा रहा है हाँ कहाँ तक हो गया ये, यहाँ से आप देख सकते हैं वास्तव में अंतिम जो रिपोर्ट है राजनीतिक और सांप्रदायिक लाइनों के साथ गैरी मैड्रिंग की आशंकाओं को बल देती है। राष्ट्रीय सम्मेलन सहित राजनीतिक दलों जिनका प्रतिनिधित्व आयोग में किया गया था ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाले पैनल को इन और अन्य चिंताओं को झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं और ये भी है कि जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई ने उन्हें संबोधित न करके इसने खुद का ही नुकसान किया। इसका यह दावा है कि उसने जम्मू कश्मीर को एक इकाई के रूप में माना है जो कि अनुचित है। ठीक है, तो आइए मैं थोड़ा इंग्लिश वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है कि कहा जा रहा है कि बाई नॉट एड्रेसिंग देम इट हैज़ डन इटसेल्फ डिसरवाइज, मतलब यहाँ पे जो रंजन देसाई जी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने एड्रेस नहीं किया, तो ये एक प्रकार से उनके लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। अब आगे है कि इट्स एसर्शन दैट इट हैज़ ट्रीटेड जम्मू एंड कश्मीर एज वन यूनिट इज अनप्रेशराइज। इट इज नो सीक्रेट दैट द टू हैव लॉन्ग बीन पोलराइज along religious line and that as the last assembly election in 2014 showed the BJP's best chance of coming to power is in alliance with a valley based regional party with Jammu's seats crucial to deciding which partner gets to play lead role. So क्या है ये, आगे मैं आपको बता देता हूँ। हाँ थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल कर दूँ। यस चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि रहस्य नहीं है, मतलब कोई ये मिस्टीरियस वाली बात नहीं है कि दोनों लंबे समय से धार्मिक आधार पे
ध्रुवीकृत है, मतलब दोनों ही पार्टियां एक प्रकार से कह सकते हैं अड़ी हुई हैं। जैसा कि 2014 में पिछले विधानसभा चुनावों में दिखाया था कि भाजपा के सत्ता में आने के सबसे अच्छा मौका घाटी स्थित क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन में है, जिसमें जम्मू की जो सीटें हैं यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण है कि किस साथी को मुख्य भूमिका निभानी है। आगे बात हो रही है कि आगे कहा जा रहा है कि हालांकि यह भी सच है कि जम्मू के हिंदू अखंड वोटिंग ब्लॉक नहीं है, अब ये जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करने के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। जम्मू कश्मीर ने 2018 के बाद से प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं किया। बेहिसाब नौकरशाहों, पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा शासित असली जम्मू कश्मीर डल झील पर पर्यटकों के चित्र पोस्ट कार्ड से बहुत दूर हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। चलिए मैं थोड़ा इंग्लिश वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ अब यहाँ पे। हाँ चलिए देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि हाउएवर इट इज आल्सो ट्रू दैट द हिंदूज ऑफ द जम्मूज आर नॉट अ मोनोलिथिक वोटिंग ब्लॉक। नाउ जम्मू एंड कश्मीर अवेट द नेक्स्ट स्टेप इन रिस्टोरिंग द पोलिटिकल प्रोसेस। जे एंड के हैज नॉट हैड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंस 2018, गवर्न बाई अनकाउंटेबल ब्यूरोक्रैट्स, पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। द रियल जे एंड के, इट मीन्स जम्मू कश्मीर, इज अ फार क्राई फ्रॉम द पिक्चर पोस्ट कार्ड। आगे बात हो रही है कि ऑफ टूरिस्ट एट डल लेक। अब आगे बात करेंगे, टारगेटेड किलिंग अ जंप इन अ मिलिटेंसी इन द फर्स्ट 4 months ऑफ दिस ईयर ओवर द सेम पीरियड इन 2021 with more foreign militants now have been ringing alarm bells for over a year. अब थोड़ा और आगे मैं देख बता देता हूँ आपको, पूरे इसको पढ़ देता हूँ। with the reasons simmering since the तालिबान take over in Afghanistan last year and Pakistan politically unstable, only an elected government in Jammu Kashmir can effectively address the challenges while reaching out to the people. So यहाँ पे ये कुछ चीज़ें बताई जा रही है। चलिए मैं लास्ट में इसको भी आपको बता देता हूँ एज अ समरी। कहा जा रहा है कि लक्षित हत्याओं इस साल के पहले 4 महीने में 2021 में इस अवधि की तुलना में उग्रवाद में उछाल और अब और अधिक विदेशी आतंकवादियों के साथ एक साल से अधिक समय से खतरे की घंटी बज रही है। पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण के बाद इस क्षेत्र में उथल पुथल और राजनीतिक रूप से स्थिर पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर में केवल एक चुनी हुई सरकार ही लोगों तक पहुँच कर चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकती है। तो ये आज का एडिटोरियल था गाइस, आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।